हे गाइस वेलकम बैक आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ एक ट्राइड एंड टेस्टेड डाइट प्लान इन्होंने ढाई महीने में पंद्रह के जी वजन घटाई है आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि और भी ट्राइड एंड टेस्टेड वाला डाइट शेयर करने के लिए तो ये डाइट प्लान आज आपके लिए है बहुत ही इफेक्टिव वाला डाइट प्लान है जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एक ही डाइट प्लान फॉलो नहीं करती है पर उनमें से जो बेस्ट वाला डाइट प्लान होता है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ सो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं एक अच्छा खासा रिजल्ट तो मिलेगा ही वेट लॉस इंच लॉस के साथ साथ स्किन भी बेहतर बनने लगेगा तो चलिए देखते हैं ये डाइट प्लान को कैसे फॉलो करना है सुबह उठ के खाली पेट में ले सकते हैं जिंजर बेलीफ टी ये एज अ ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है साथ में ये बेली फैट और बॉडी फैट कम करने में मदद करता है नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड से बनाई हुई पनीर या मशरूम का सैंडविच साथ में एक एप्पल या फिर इस तरीके से बना के हाई प्रोटीन रोटी रोल ले सकते हैं साथ में एक एप्पल और मैं आपसे ये वाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए मल्टीग्रेन चपाती यूज़ करना है अगर आपके पास सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है तो आप लेफ्ट ओवर चपाती से भी ये वाला रेसिपी बना सकते हैं तो सिर्फ दो तो मिनट में इसे आप बना सकते हो तो स्टफिंग के लिए मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया उसमें जीरा डाल दिया प्याज डाल दिया कैप्सिकम डाल दिया आपके पास जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हो और ढेर सारा मशरूम डाल दिया थोड़ा सा कॉर्न भी इसमें डाल दिया अगर आपके पास मशरूम अवेलेबल नहीं है तो आप पनीर यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को मिला के हाई फ्लेम पर पकाना है क्योंकि मशरूम कैप्सिकम ये सब पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर पिंक सॉल्ट डाल देना है और लास्ट में थोड़ा सा ऑरिगन चिली फ्लेक्स और स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट्स डाल देना है अगर स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा हाई फ्लेम में दो मिनट इसे फ्राई कर लेना है और ये जो स्टफिंग है बिल्कुल तैयार है तो मल्टीग्रेन चपाती के अंदर डाल के बस रोल बना देना है बहुत ही सिंपल एंड ईजी और सुपर डेलीशियस है इसे ट्राई जरूर कीजिएगा बहुत ही फिलिंग है और ये हाई प्रोटीन वाइटाम्स मिनरल्स रिच वाला ब्रेकफास्ट आपको बहुत देर तक फुल रखने में मदद करेगा ब्रेकफास्ट के 30 मिनट बाद एक कप ग्रीन टी लेना है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट बाद भी ले सकते हैं नेक्स्ट मिड मॉर्निंग में ये फैट कटर जूस लेना है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है तेजी से वजन घटाने में और बेली फैट को घटाने में गाइज इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है ये कड़वा है पर यह इतना बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए ये तेज़ी से वजन घटाने में तो मदद करता ही है साथ में जिन लोगों को पीसीओ डायबिटीज़ या फिर थायरॉयड का प्रॉब्लम है उसे भी ये क्योर करने में मदद करता है ये जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो वायरल इंफेक्शन और वायरल फीवर को कम करने में कम करने में मदद करता है हार्ट डिजीज को कम करने में मदद करता है इवन ये कैंसर जैसे बीमारी का रिस्क भी कम कर देता है और इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर में हंड्रेड ग्राम बिटर गुड ले लिया साथ में एक इंच का एक टुकड़ा टर्मरिक को पीसेस में कट करके डाल दिया अच्छे से वॉश करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और स्क्वीज करके इसका जो जूस है उसको निकाल लेना है आप इसे सुबह बना के ऑफिस में भी कैरी करके लेके जा सकते हैं नेक्स्ट लंच में एक बोल ब्राउन राइस खिचड़ी ले सकते हैं जिसमें राइस और दाल का क्वांटिटी कम होगा और ढेर सारा वेजिटेबल्स ऐड होगा या फिर इस तरीके से बना के पम्पकिन रोटी दही के साथ ले सकते हैं ये वाला रेसिपी बहुत ही यूनिक और टेस्टी है इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा तो इसके लिए मैं यहाँ पर मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक छोटी कटोरी मल्टीग्रेन आटा ले लिया वही कटोरी मा नाप के मैं पम्पकिन ले लिया पम्पकिन को मैं यहाँ पर ग्रेट कर लिया तो एक एक कटोरी पम्पकिन डाल दिया थोड़ा सा पिंक सॉल्ट अजवाइन और हाफ टी स्पून दिया तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि पम्पकिन से ऑलरेडी पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सॉफ्ट बनेगा इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आटा डाल के मैं इसको बेल लूंगी। अगर आपको रोटी नहीं बनाना है तो इसमें थोड़ा ज्यादा पानी यूज करके इसको एज अ चीला फॉर्म में भी आप ले सकते हैं गाइस हम सबको पता है कि पम्पकिन वजन घटाने में मदद करता है साथ में ये आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है इसमें एंटी काफी अच्छे मात्रा में मिलता है साथ में इसमें विटामिन ए और सी मिलता है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है कोलाजिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जो हमारे स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाते हैं तो आप देख सकते हो ये रोटी कितना सॉफ्ट बना है और उतना ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बना है तो ये दही के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है तो अगर ये पम्पकिन चपाती बनाओगे तो अलग से सब्जी लेने का जरूरत नहीं है और ये चपाती एक से दो अपने हिसाब से लेना है अगेन लंच के तीस मिनट बाद एक कप ग्रीन टी लेना है नेक्स्ट इवनिंग टाइम में हैंडफुल ऑफ जामुन ले सकते हैं या फिर कोई भी एक सीजनल फ्रूट और डिनर बिल्कुल लाइट रखना है डिनर में बीटरूट आलमंड सूप ले सकते हैं या फिर टोमेटो गार्लिक सूप ले सकते हैं टॉपिंग में क्रश किया हुआ पीनट डाल के या फिर कॉर्न और वेजीज का सूप ले सकते हैं और ये सारे सूप को अल्टरनेट डे पे अल्टरनेट करके भी ले सकते हैं दिन में तीन लीटर पानी जरूर पिए गाइस ये वाला डाइट प्लान को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हेल्दी खाए और स्वस्थ रहे